जो जीता वही बादशाह। सच बात है मित्रों, हिम्मत और हौसलों से क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता, बशर्ते हिम्मत हो, हौसला हो, रास्ता कितना ही पथरीला क्यों ना हो, आगे बढ़ने की ललक हो और मंजिल को पाने की एक अभिलाषा हो। सुखद सवेरा हमारा इंतजार करता है। आज कामयाबी के गवाह में हम ऐसी ही एक साथी की आपसे मुलाकात करवा रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए और होम आइसोलेशन का विकल्प इन्होंने चुना। 2 दिन होम आइसोलेट रहे और उसके बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनका मनोबल टूटा और इन्होंने बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होने की सोची। संक्रमण से आप उबरे, अब ठीक हैं, जंग जीत ली है और कार्यक्रम में आज आपके साथ अनुभव शेयर करने के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनपद मुरादाबाद निवासी श्री नितिन कुमार शर्मा जी से। नितिन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नितिन जी, COVID-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण चारों ओर फैला है, आप भी कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए, तो शुरुआत में किस तरह के लक्षण आपको नजर आए? नमस्कार, मेरा नाम नितिन कुमार शर्मा है और एक्चुअली मैं पुणे में वर्किंग था। उसके बाद में अगस्त 2020 में सबको जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तो मैं घर पे आना उचित समझा मैंने, तो मैं यहाँ मुरादाबाद यूपी में आ गया। उसके बाद अब देन थोड़े दिन मतलब जब कोविड का संक्रमण हुआ तो लाइक मुझे पता नहीं था, जस्ट बॉडी पेन हुआ और बॉडी पेन होने के बाद लाइक फीवर हुआ नेक्स्ट डे। देन जनरली हम लेते हैं ना मतलब पैरासीटामोल, जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं पैरासीटामोल। उसके बाद लाइक थर्ड थर्ड टू फोर्थ डे मेरे थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ। देन उसके बाद में डिसाइड किया कि लाइक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, क्योंकि जनरली मेरे बॉडी में थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाता था साल मतलब ईयर में 2 और 3 टाइम्स लाइक। तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट यही ठीक हुआ कि हाँ पहले ENT स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, तब भी इतना दिमाग में नहीं था कि कोविड हो सकता है। तो देन ENT को दिखाया, देन लेटर ऑन मतलब उन्होंने दवाई दी, तो 2 दिन मेरा सही रहा बुखार। बट जब 6th और 7th डे हुआ तो उसके बाद में एकदम तो 103-104 बुखार हुआ। देन मैंने और उस सेम डे कफ में ब्लड आया, देन मैंने सेम चीज डॉक्टर अपने ENT को बताई। एंड कहीं ना कहीं डाउट हुआ, संदेह हुआ कि लाइक कोरोना के सिम्टम्स हैं ये। देन डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि लाइक अभी नाउ हमें अब टेस्ट कराना चाहिए, तो टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद बिकॉज उसमें 2 to 3 डेज में रिपोर्ट आती है, देन वी डिसाइडेड लाइक हमने सोचा कि अब उसको HRCT स्कैन कराना चाहिए, क्योंकि लाइक खांसी बहुत हो रही थी और मतलब दिस मतलब इस टाइप की खांसी फर्स्ट टाइम हुई थी मुझे। तो देन हमने HRCT स्कैन कराया, उसमें क्लियरली मेंशन हो गया कि लाइक कोविड सिम्टम्स हैं। देन द सेम डे जिस दिन हमें पता चला कि कोविड है उसी दिन से हमने मेडिसिन स्टार्ट कर दी आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। देन उसके बाद लाइक द नेक्स्ट सेकेंड डे जैसे आज हमने दवाई ली है, तो सेकेंड डे क्या हुआ, जो ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे थे तो धीरे धीरे डाउन हो रही थी ऑक्सीजन, 85-87 तक चली गई थी। देन हमने डॉक्टर से डिसकंसल्ट किया, देन हमने डिसाइड किया नहीं अब हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा लाइक, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हम पता नहीं मतलब वर्स क्या हो सकता है। 4 डेज हॉस्पिटल में हॉस्पिटल रह के मतलब वहाँ पे उन्होंने अपनी दवाइयाँ दी डेली, एंड देन जो हॉस्पिटल का स्टाफ था काफी उन्होंने केयर करी लाइक खाना और डेली लाइक काढ़ा एंड ऑल द मेडिसिन ऑन द टाइम दे आर गिविंग, मतलब सब दवाइयाँ टाइम से दे रहे थे। देन थर्ड टू फोर्थ डे आई वाज जस्ट रिकवरिंग एंड ऑक्सीजन लेवल भी मेरा 94 से ऊपर हो गया था। Then fourth day doctor decided to discharge and उन्होंने prescription के साथ 14 days के लिए isolation के लिए बोला कि for safer side we need to go like for 14 days isolation. तो after 14 days again हमने consult किया and धीरे धीरे मतलब weakness काफी थी, this is just like have to take like proteins in food and जितना पानी पी सकते हैं उतना पिए, और hospital में like main focus था कि positive रहें, क्योंकि like many patients like मतलब जो ऐसे थे मतलब उनको देख के ऐसा लगता कि मतलब हमसे ज्यादा उनकी ट्रैवल है, देख के पूरा नेगेटिविटी आती थी, बट कहीं ना कहीं मैनेज किया पॉजिटिव रहने की। देन फोर्थ डे भगवान की कृपा से और डॉक्टर की कृपा से हमने यहाँ से लाइक उन्होंने डिस्चार्ज किया। 14 डेज के बाद जब आइसोलेशन हुआ तो
घर पे आइसोलेटेड रहे, होम आइसोलेटेड 14 डेज के लिए. देन आफ्टर 14 डेज एवरीथिंग वाज फाइन एंड समहाउ 5 डेज एंड 5 प्लस 10 डेज अगेन दे मॉनिटर माय हेल्थ. नाउ आई एम वर्किंग फाइन एवरीथिंग. हम पूछना चाहेंगे, ऐसी कौन सी खास बात रही जिसके चलते आपने कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग जीती? किस पक्ष को आप ज्यादा मजबूत मानते हैं अपने लिए? मेन फर्स्ट थिंग कि सब पॉजिटिव रहना चाहिए. कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए. लाइक जो भी हो रहा है एवरीथिंग वी शुड टेक एज अ लाइक पॉजिटिव. सपोज टाइमली हमने मेडिसिन लिया, टाइमली हमने सब कुछ हुआ, मेडिसिन मेडिकेयर हुआ, टेस्टिंग हुई और डॉक्टर्स का बहुत हेल्प रही. और ऊपर से मेन चीज पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव हैं तो लाइक यू कैन समहाउ विन द गेम. ब्लड को नेगेटिव करने के लिए सोच को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट. तो जिस वक्त आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे, आपके परिवार का, आपके मित्रों का आपके प्रति कैसा सहयोग रहा? मित्रों का परिवार का बहुत ज्यादा सहयोग रहा. मतलब जब मैं वहाँ पे एडमिट था तो मेनली लाइक इतना तो बोला नहीं जा रहा था, बट मैं मैसेज कर लेता था, मैसेज से बात करता था फर्स्ट और सेकंड डे जब मैं हॉस्पिटल में था. थर्ड डे से मैंने फोन पिकअप किया, देन बात भी की. तो जहाँ भी टाइम मिले एटलीस्ट अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली एंड अपने नियरेस्ट ट्राई टू कनेक्ट टू ईच अदर ना फॉर हैविंग सम पॉजिटिव वाइब्स. इफ सपोज यू आर गेटिंग सम नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम द नियर बाय इन द हॉस्पिटल, बट ट्राई टू लाइक मीट द कॉन्टेक्ट विद योर लाइक कलीग्स और अभी और फ्रेंड्स और फैमिली. तो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से बात करते रहना चाहिए. जिस वक्त आपको बताया गया कि आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, जी आपने उस समय आपको कैसा लगा? उस समय बहुत ही अच्छा लगा कि लाइक अब घर से आ रहा हूँ, घर पे जाके अपना अपनों के बीच में रहूंगा तो और पॉजिटिव रहेगा. उन साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे जिस वक्त आपको सुन रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना एंड मोमेंट तक बस अपना साथ रहे. मतलब कोई जो भी ट्राई करेंगे, अगर वैक्सीन ले लें टाइम से, अभी 18 प्लस की लोगों को मिल रही है वैक्सीन, तो ट्राई टू गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल. एंड इफ इट्स पॉसिबल ट्राई टू एंगेज अदर्स एज वेल हुअर इज ग्रेटर देन लाइक एज इज ग्रेटर देन 18 प्लस. वी हैव सीन लाइक आफ्टर वैक्सीनेटेड द पीपल आर हैविंग द लेस इंपैक्ट ऑन दिस. आपने कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग जीती, अब आप स्वस्थ हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।